आप देख रहे हैं 100 टीवी लाइव। दिनांक 13 जून सन 2024 जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर व जनपदीय एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दो कोकश बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध असलाह, मैजिंदा व खोखा कारतूस, पशु कटान करने के उपकरण एवं मोटरसाइकिल बरामद। कारी नईम के साथ संवाददाता दिलशाद अहमद की खास रिपोर्ट। आज सुबह थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत बागड़पुर गामड़ी गांव के जंगलों में गोकशी की सूचना पर एसओजी टीम तथा थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। भागने के क्रम में बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा उनके तीन साथी गन्ने के खेतों से होते हुए मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम दिलशाद, जो कि सैद नगली अमरोहा का रहने वाला है। इस पर लगभग अब तक के पूछताछ में 10 मुकदमे पाए गए हैं। दूसरा भूरा, जो कि हसनपुर अमरोहा का रहने वाला है, इस पर भी लगभग 3-4 मुकदमे पाए गए हैं। इस संबंध में इनके संबंधित थानों से और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जो फरार हो गए हैं उनके लिए पुलिस टीम लगाकर कॉम्बिंग कराई जा रही है। अब तक की पूछताछ में इन्होंने 10-15 दिन पूर्व बागड़पुर में हुई गोकशी की घटना को करना कबूल किया है और इनका प्राथमिक उपचार के लिए इन्हें CSC में भेज दिया गया है और इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है। और इनके कब्जे से हमें एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, गोकशी के सभी उपकरण और 2 रास गाय बदहवासी की हालत में बरामद हुई है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।